दोस्तों, मैं धन्यवाद करता हूँ बीते हुए कल को, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और भविष्य को कहता हूँ कि मैं और भी कुछ सीखने के लिए तैयार हूँ। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। किस्मत का मारा नहीं हूँ मैं, एक बार फिर से कोशिश करूंगा। असफल हुआ हूँ, अभी हारा नहीं हूँ मैं। जब दुनिया आपको हारा हुआ और कमजोर मान ले, तब यही सही समय है दुनिया को अपनी ताकत और मनोबल दिखाने का। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसी 5 बातें बताएंगे जो आपकी पूरी लाइफ ही बदल देंगी। आपकी लाइफ है, आप जिम्मेवार हो, कोई और जिम्मेवार नहीं। कल अगर आप गरीब रह गए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को इसका फर्क पड़ेगा, जिसको आप आईने में देख सकते हो, वो होंगे आप खुद। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम पर पैसे हैं या नहीं, तुम्हारे बच्चे की फीस टाइम पर जमा हो रही है या नहीं, बच्चे एक एवरेज स्कूल में पढ़ रहे हैं, तुम अपनी EMI टाइम से भर पा रहे हो या नहीं, इसका फर्क किसी को नहीं पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ, अपना समय बर्बाद मत करना, अभी समय है बदल जाओ, अपने आप को बदल लो। इस समय ने अच्छे अच्छों को बर्बाद करके रख दिया। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, खुद से बदल गए तो अच्छा रहेगा, अगर वक्त ने आपको बदला तो बहुत तकलीफ होने वाली है। तो आज से ही, अभी से ही समय का सदुपयोग करना सीखो। नंबर 2, दोस्तों, एक बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, आज मैं दुविधा में पड़ गया हूँ, आप ही मुझे इसका रास्ता बताएं। माँ ने कहा, बता बेटा क्या हुआ। बेटा कहता है, माँ, मुझे जो काम दिया गया है उस काम में पैसे तो बहुत है, मैं बहुत कमा लूंगा, पर मेरा मन गवाही नहीं दे रहा कि मैं उस काम को करूँ। इस बात पर माँ कहती है कि बेटा, मैं पढ़ी लिखी तो नहीं जो तुझे सलाह दे सकूं, पर मेरी इस बात का ध्यान रखना, जब मैं तुझे सुबह जगाती हूँ तो तू मुझे हमेशा गहरी नींद में सोता हुआ मिलता है, कहीं ऐसा ना हो कि कल मैं जब तुझे जगाने जाऊं तो मुझे जागता हुआ मिले। दोस्तों, इस बात का सीधा सीधा मतलब ये है कि पैसे के चक्कर में कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, क्योंकि ऐसे पैसे का आप क्या करोगे जिससे आप रात को ठीक से सो भी ना पाओ। नंबर 3, दोस्तों, ये बात ध्यान से सुनना, लाइफ में बहुत काम आएगी। राजा जनक सीता जी के पिता थे, वो एक ऋषि के पास बैठे थे, ऋषि का नाम था याज्ञवल्क्य। तो राजा जनक और ऋषि के आपस में बात हो रही थी। राजा जनक ऋषि से पूछते हैं कि ऋषिवर, आदमी किसकी रोशनी से देखता है। ऋषि बोलते हैं, सूर्य की रोशनी से देखता है। तो राजा बोले, अगर रात हो तो। ऋषि बोले, चांद की रोशनी से देखेगा। इस पर राजा बोले, अगर अमावस्या की रात हो तो फिर किसकी रोशनी से देखेगा। ऋषि ने कहा, आदमी आवाज की दृष्टि से देखेगा। तो राजा बोलते हैं, आवाज की दृष्टि से कैसे। तो इस पर ऋषि कहते हैं कि अगर तुम किसी घंघोर जंगल में भटक जाओ और रात में तुम्हें कुछ भी ना दिखाई दे और कहीं दूर से कोई आवाज दे, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि आवाज किस ओर से आ रही है। तो इस पर राजा बोले, अगर सूरज की रोशनी ना हो, चांद भी ना हो, कोई आवाज देने वाला भी ना हो, तो फिर आदमी किसकी दृष्टि से देखेगा। इस बात पर महर्षि बोले, फिर आदमी आत्मा की दृष्टि से देखता है। और दोस्तों, ऋषि ने क्या गजब की बात कही है, ध्यान से समझना, जब कहीं कुछ दिखाई नहीं देता तो आत्मा की ज्योति ही जीवन जगत को प्रकाशित करती है। जब आपको कहीं से जवाब न मिले और आप परेशान हो कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो एक बार अपनी आत्मा से पूछना कि ये काम बुरा है या अच्छा, आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। नंबर 4, दोस्तों, कहते हैं ना, आँख से फल देखा मन में लालसा जगी, अब आँख तो फल तोड़ने जा नहीं सकती, फल देखा आँख ने गए पैर, अब पैर तो फल तोड़ नहीं सकते, तोड़े हाथों ने, जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, और चला गया पेट में, और जो थोड़ी देर में माली ने देखा तो डंडे पड़े पीठ पर, पीठ ने बोला मेरा क्या कसूर, जब डंडे पड़े पीठ को तो दुखी हुआ मन, जब दुखी हुआ मन तो आंसू निकले आंख से, क्योंकि देखा उसी ने था। तो दोस्तों, इसका मतलब सीधा सा है, कर्म फल भोगना ही पड़ेगा, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो फल भी बुरा ही मिलेगा। नंबर 5, दोस्तों, कुछ लोग बिना बात की टेंशन लेकर घूम रहे हैं। किसी ने देखा एक आदमी मुंह लटकाए बैठा है, आदमी ने पूछा, भाई लगता है टेंशन में हो। उसने कहा, हाँ जी बहुत बड़ी टेंशन है। दूसरे आदमी ने कहा, क्या टेंशन है बताओ तो सही। टेंशन ये है कि भैंस काली होती है, हरा चारा खाती है, पर दूध सफेद क्यों देती है। क्यों दोस्तों, हुई ना बिना मतलब की टेंशन। अगर रिसर्च ही करनी है तो इस बात पर करो,
कि हम दूध को पीकर ताकतवर कैसे बनते हैं। दोस्तों, जब कोई इंसान इतनी एक्सरसाइज करता है या कहे कि रेस लगाता है, दंड बैठक करता है, मतलब वो मेहनत करके अपने शरीर से पूरा पसीना बहाता है और आपके शरीर में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन की जरूरत ज्यादा बढ़ने लगे, उस समय वो आदमी दूध पीता है और दूध उसके पेट में आराम से पचने लगे तो फिर वो इंसान ताकतवर बनता है। आप कुछ भी करो, बस इस बात का ध्यान रखो कि उसका परिणाम हमेशा सही हो। अब दोस्तों, वीडियो में बताई गई सभी बातों को एक बार फॉलो करके जरूर देखना और वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में यस जरूर लिखे और शेयर करो दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।